भोजपुरी दबंग स्टार खेसारी लाल यादव और विवाद दो ऐसी चीजें हैं जो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकती। खेसारी के ऊपर फिर से एक विवाद लगा है और उसे लगाया है डायरेक्टर राजकुमार पांडे ने। वैसे आपको बता दें, राजकुमार पांडे और खेसारी लाल यादव के विवादों की एक जो श्रृंखला है वो बड़ी ही लंबी है, लेकिन इस बार जो राजकुमार पांडे ने किया है उन्हें सोशल मीडिया पर इतनी वाहवाही मिल रही है, साथ ही साथ जो उन्होंने कहा है उसके लिए लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। वैसे इससे पहले जो भी राजकुमार आर पांडे बोलते थे खेसारी के खिलाफ, खेसारी के फैंस उनको जीने नहीं देते थे। वैसे हम आपको बता दें कि इस बार खेसारी ने गलती कर दी है। खेसारी ने श्याम देहाती की मौत को, या यूं कह ले कि उन तथ्यों को बगैर जाने कुछ ऐसी बातें की जो कि अब मीडिया में वायरल हो रही हैं, और खेसारी के लिए इसके लिए लोग जमकर भला बुरा भी कह रहे हैं। वैसे ये पहली मर्तबा नहीं है जब खेसारी ट्रोलर्स का शिकार हुए हैं। इससे पहले भी खेसारी कई बार ट्रोलर का शिकार हो चुके हैं, तब मुद्दा कुछ और था। यहाँ तो भाई जीने और मरने वाली बात हो गई है, तो लोग अब खेसारी के दिखावे और झूठ को समझ चुके हैं। यहाँ पर श्याम देहाती के मौत के बाद खेसारी जब लाइव आते हैं तो वो बहुत रोते हैं, और इसी रोने को लेकर राजकुमार आर पांडे ने कहा है कि भाई अब राजनीति बंद करो, किसी की मौत का सवाल है और आप ये जो बोल रहे हो, आँख में उंगलियां घुसा घुसा कर रो रहे हो, ये रोना बंद करो क्योंकि ये पूरी तरह से दिखावा है। यहाँ खेसारी लाइव में आकर ये भी बोलते हैं कि मेरे परिवार वालों की मौत पर मैं इतना रो पाऊंगा या नहीं, लेकिन श्याम देहाती की मौत पर मुझे बहुत रोना आ रहा है। 2.5 साल से वो मेरे साथ जुड़ा था और अब उसकी एक एक बात मुझे याद आ रही है और मैं रो रहा हूँ। खैर, इस ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन आगे जो खेसारी ने बगैर जाने किया है, अब जो बातें जान कर आई हैं सभी के सामने, सब अब खेसारी पर उंगलियाँ उठा रहे हैं कि आप जब श्याम देहाती के इतने थे और सब कुछ पता होने के बावजूद ये बात आखिरकार रिपोर्ट में भी आ चुकी है कि उन्हें कोरोना नहीं है, तो आप लाइव आकर क्यों कह गए कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे को भी कोरोना है, जो उनका बच्चा 2.5 साल का है उसे भी कोरोना है और साथ ही श्याम देहाती की वाइफ को भी कोरोना है। यहाँ पर राजकुमार आर पांडे ने ये बात कही है कि श्याम देहाती को पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि श्याम देहाती ने अपनी मेहनत के बल पर अपनी खुद की गाड़ी, घर मुंबई में किया था और साथ ही साथ गांव का घर बनवाया था। उसके बाद उन्होंने वहीं एक फैक्ट्री लगवाई थी साइड बिजनेस करने के लिए, चिप्स और वेफर की। तो इस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि उसे पैसे की कमी थी। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें कि अब रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि श्याम देहाती को टीवी था और जिसके चलते उसका सही इलाज ना होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उन्हें मौत का मुंह देखना पड़ा। वैसे आपको हम यहाँ ये भी बता देते हैं कि ये पहली मर्तबा नहीं है जब खेसारी अपने बड़बोलेपन की वजह से ट्रोलर्स का शिकार हुए हैं, ये कई मर्तबा हो चुका है। इस वजह से अब खेसारी को लेकर लोग कई सवाल उठा रहे हैं कि जब आप इतने ही हिमाती बन रहे हैं श्याम देहाती के, तो उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं थी। वैसे आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सिर्फ 2 सुपरस्टार, एक दिनेश लाल यादव निरहुआ और रवि किशन, ये दोनों सुपरस्टार लगातार टच में बने रहे लोगों के कि श्याम देहाती को जल्द से जल्द प्राथमिक इलाज दिया जाए, लेकिन ये सब कुछ कार्य धरा का धरा रह गया। इसकी भी पुष्टि राजकुमार आर पांडे ने अपने लाइव में आकर की है। खैर, हम यहाँ किसी की गलतियाँ नहीं गिना रहे हैं, लेकिन सच दिखाना कोई गलत बात नहीं है, और यहाँ तो खेसारी खुद अपने सामने झूठ के पुलिंदे में फंसते नज़र आ रहे हैं, जहां उन्होंने अपने लाइव में ही आकर कई बातें उन्होंने झूठी कही हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही क्या आपको लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में श्याम देहाती की मौत का राजनीति हो रही है? भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।